मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन जीने के लिए कौन सी चीजें बहुत जरूरी हैं? जीने के लिए हवा, पानी, पेड़ पौधे, इन सब की हमें बहुत जरूरत होती है। जरा सोचिए, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? आइए जानते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस थ्रू दिस स्मॉल इंसिडेंट। खोलो जल्दी, अरे दरवाजा तो खोलो। खोल रही हूँ। अरे इतनी हड़बड़ी में क्यों हूँ? टिंकू और गुड्डन आ गए स्कूल से कि नहीं? वी आर हियर, बट आप हाफ क्यों रहे हैं? व्हाट हैपेंड, प्लीज टेल। पहले बात सुनो मेरी, आज तुम लोग बाहर बिल्कुल खेलने नहीं निकलोगे। पता नहीं कहाँ से तेंदुआ घुसाया है गाँव में, आफत मची पड़ी है बाहर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज पकड़ने आए हैं उसको। पापा, लेट्स गो टू सी। मुझे देखना है कि वो कैसे पकड़ते हैं लेपर्ड को। आई एम एक्साइटेड टू सी द लेपर्ड। पापा, क्या आपने देखा लेपर्ड को? अरे ये कहो, हमने उसको देखा। अगर उसने हमको देखा होता तो अपना भोजन ही बना लेता। क्या सच में पापा? Yesterday, my teacher was also telling कि 2 days before उनके village में भी leopard दिखा था and that's why उन्होंने हमें group बनाकर school आने जाने को suggest किया। The teachers were also discussing कि जितना risk villagers को है leopard से, उससे कहीं ज्यादा risk में वो leopard है। Because वो बेचारा तो अकेले फंस गया है village में, forest की तरफ निकल भी नहीं पा रहा। जिधर से भी निकलने की कोशिश करता है लोग घेर लेते हैं उसको। लेपर्ड खुद ट्रबल में है, बिकॉज उसके लिए तो स्ट्रेंज प्लेस पर स्ट्रेंज लोगों के बीच लोगों का हथियार लेकर उसके पीछे भागना कितना फियरफुल होता होगा उसके लिए। और पता है पापा, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही लेपर्ड को सेफली फॉरेस्ट तक पहुँचा सकते हैं। अरे कौन से फॉरेस्ट में भेजेंगे, अब जंगल तो सब कटते जा रहे हैं, तभी तो गांव में घुसने लगे हैं ये जंगली जानवर। गुड्डन बेटा, टीवी तो चलाओ जरा, बाहर तो निकल नहीं सकते, न्यूज से ही शायद कुछ पता चले। इतना मीडिया लगा है, कुछ तो दिखा ही रहे होंगे टीवी में। CBSE 12वीं के नतीजे आ चुके हैं और बड़ी बात ये है कि हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। सिहोरा तहसील के इंदौरा में एक बार फिर तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग लगा तेंदुए की तलाश में। खेतों में पराली जला रहे जमुनी थाना क्षेत्र के 7 किसानों के ऊपर SDM सदर ने लगाया 28,000 रुपए का जुर्माना। लो, अब पराली जलाने पर भी जुर्माना लगने लगा। ओ पापा, आपको पता है कितना स्मोक फैलता है पराली बर्न करने से? इट स्मोक इज वेरी हार्मफुल। धुआं तो हमारे भी गांव में फैलता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, भला इनको कौन सी दिक्कत होने लगी? पापा, वी हैव सो मेनी ट्रीज इन आवर विलेज। ये ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने ही नहीं देते, एंड दैट्स व्हाई हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन फॉरेस्ट की जगह सिटीज डेवलप करने और ट्रीज कट करके बिग बिग बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने की वजह से सिटीज में इनफ ट्रीज बचे ही नहीं हैं। एयर को फिल्टर करने का काम ट्रीज ही तो किया करते हैं। फिल्टर करते हैं मतलब पेड़ कैसे करते होंगे भला फिल्टर? हम तुम्हारे जितने पढ़े नहीं तो क्या हमको बुद्धू बनाओगी? पापा, आई एम नॉट मेकिंग अ फूल ऑफ यू। मैंने पढ़ा था कि ट्रीज एंड प्लांट्स हमारे एयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर, अरे अरे मतलब कि उसको सोख कर ट्री के लिए फूड बनाते हैं।
और बदले में हमें ऑक्सीजन गैस रिटर्न करते हैं। तो बताइए पापा, फिल्टर हुई कि नहीं एयर? अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया पढ़ाया है आपकी मैडम ने। हाँ, इनकी मैडम जी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हमको भी तो उन्होंने ही सिखाया है नाम लिखना। गुड्डन बेटा देखो जरा, पकड़ लिया क्या उसको? कहाँ कहाँ? अरे गुड्डन, वॉल्यूम तो बढ़ाओ जरा टीवी का। जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गिरफ्त में आया तेंदुआ। फिलहाल सिहोरा तहसील के इंदौरा गांव के लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि घनी आबादी में फंसे इस तेंदुए ने किसी को भी आहत नहीं किया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग के एक अफसर के घायल होने की खबर भी सामने आई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा जा सका। डीएफओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुए को जांच के लिए वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेजा जा रहा है। स्थिति ठीक होते ही तेंदुए को जंगल में सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। ये मम्मी, अब तो पापा अलाउ करेंगे ना हमें प्रिंस के साथ खेलने जाने को? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। फाइन मम्मी, सो वी आर गोइंग। अरे पहले अपने रूम का लाइट फैन तो देख लो, ऑफ किया है कि नहीं। अरे बहू, जाने दो ना खेलने, क्यों बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो? अरे अम्मा जी, ये लोग कभी बत्ती जला के भूल जाते हैं तो कभी नल खुला छोड़ जाते हैं। अभी से सीखेंगे तभी तो आदत बनेगी। आखिर देश की संपत्ति की बचत करना हम आप ही तो बच्चों को सिखाएंगे। मम्मी, द लाइट्स एंड फैन आर स्विच्ड ऑफ नाउ, अब तो जाएं खेलने। पापा से भी पूछ लो एक बार। पापा, कैन वी गो टू प्ले नाउ? जाओ अच्छा खेल आओ, लेकिन टीवी ऑफ करते जाना। सो हाउ डू वी रेज द प्रॉफिट? रिलैक्स रिलैक्स सर, जस्ट रेज इट बाय 1 डिग्री। हर डिग्री एसी के टेम्परेचर बढ़ाने से 6% बचत होती है, यानी सालाना 1,500 रुपए हर घर के और 2,500 करोड़ रुपए इंडिया के बचते हैं। सो डोंट रेज योर वॉइस, जस्ट रेज इट बाय 1 डिग्री। इसको रेज दे जरा जी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्विंग एनर्जी, एम्पावरिंग इंडिया। बिजली बचाएंगे तो रोशन होगा इंडिया। तो करनी ही पड़ेगी ऑफ। अमिताभ सर भी तो यही सिखा रहे हैं।